40 करोड़ यूनिट वापटा के मुलाजमीन को खरीदी जाती है, 33 करोड़ यूनिट सरकारी मुलाजमों को दी जाती है, 33 ये 73 करोड़ यूनिट बनते हैं, ये बहुत बड़ी अमाउंट बनता है। कि शरह सूद जो 25% की बातें हो रही हैं, डॉलर 330 रुपये में नहीं मिल रहा, और एनर्जी के चार्जेस जिस तरीके से अब बढ़ने जा रहे हैं, इनफैक्ट IMF के माहदे के तहत, तो लोग कह रहे हैं कि दीज आर सिंपली इंस्ट्रक्शंस टू क्लोज द बिजनेसेस। आपका क्या व्यू है इस सिचुएशन के ऊपर? जी बिल्कुल, आपने जितनी पिक्चर पेश की है आई एग्री टू इट, और मैं समझता हूँ इससे भी ज्यादा खराब पिक्चर होने जा रही है या हम उसमें इस वक्त गुजर रहे हैं। पौने पौने भाव के अंदर में मुल्क को बेचना मिनरल्स जो है उसमें अपना पाकिस्तान का पूरा खसारा कम हो सकता है, मगर ये लंबा प्रोग्राम है। इमीडिएट प्रोग्राम ये है कि हम अपने खर्चे को कम करें। इंपोर्ट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स है, फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स है, उनको आप ना छेड़ें। नॉन एसेंशियल गुड्स के ऊपर में 200% RD लगा दें। अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ़ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, हर तरफ बिजनेसेस के क्लोजर की बातें हो रही हैं, माशी अदम इस्तेहकाम है, काइंड ऑफ क्राइसिस लाइक सिचुएशन है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, और जितने भी मईशतदान हैं और जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, दे हैव दिस कंसेंसस के आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की नीड है। सो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टील इंडस्ट्री के लीडर से, मनी चेंजेस से और बिजनेस लीडर से, और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं। सो पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मियां जाहिद साहब, उनसे हम समझेंगे कि मौजूदा सिचुएशन में व्हाट इज़ द सोल्यूशन। मियां जाहिद साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। मियां जाहिद साहब, हमारी अभी ताजर बरादरी के मुख्तलिफ सेक्टर्स से जो ताल्लुक़ रखते हैं लीडर्स, उनसे बातचीत हुई, सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री सेगमेंट के लीडरान से बातचीत हुई, एंड दे हैव दिस ओपिनियन के शरह सूद जो 25% की बातें हो रही हैं, डॉलर 330 रुपए में नहीं मिल रहा, और एनर्जी के चार्जेस जिस तरीके से अब बढ़ने जा रहे हैं, इनफैक्ट IMF के माहदे के तहत, तो लोग कह रहे हैं कि दीज आर सिंपली इंस्ट्रक्शंस टू क्लोज द बिजनेसेस। आपका क्या व्यू है इस सिचुएशन के ऊपर? जी बिल्कुल, आपने जितनी पिक्चर पेश की है आई एग्री टू इट, और मैं समझता हूँ इससे भी ज्यादा खराब पिक्चर होने जा रही है या हम उसमें इस वक्त गुजर रहे हैं। क्योंकि बात यह है कि जब हमारी टोटल इनकम जो है, पहले पिछले साल जो थी 60 अरब डॉलर थी, उससे अगले साल 55 अरब डॉलर हुई, और इस साल हमारी इनकम जो होगी वो 50 से 52 अरब डॉलर होगी, यानी हर साल हमारी 2-3 अरब डॉलर की इनकम कम हो रही है। वेयर एज के हमारे एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ता चला जा रहा है। एक साल तो गवर्नमेंट ने उसको सप्रेस करके इम्पोर्ट को, करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल कर लिया था, मगर इस साल अब IMF के एग्रीमेंट के तहत हम उसको भी सप्रेस नहीं कर सकते, तो हमारी जो इम्पोर्ट्स होंगी वो अराउंड कोई 75 अरब डॉलर होंगी। तो हमारा जो खसारा होगा कोई 25 अरब डॉलर का खसारा होगा। अब 25 अरब डॉलर कौन हमें फाइनेंस करेगा? तो इस वजह से हमारी जो डॉलर की डिमांड डे बाई डे बढ़ रही है, तो उसकी वजह से रुपया डी वैल्यू हो रहा है, और बड़ा ग्रॉसली आप देख रहे हैं कि उसका बड़ी स्टीप उसमें डिफरेंस आ रहा है। और तो आप जो कह रहे हैं 325 या 340 रुपए का डॉलर, मैं तो ये समझता हूँ कि डॉलर जो है उसको तो प्रिडिक्शन करना कोई इस वक्त नामुमकिन है, लेकिन ये कि ये हर रोज एक नई हाइट को टच करेगा। अब इसका हल क्या है कि हमें जाहिर है कि कौम में मायूसी नहीं फैलानी, लेकिन इसका हल ये है कि हम फौरी तौर के ऊपर इस तरह से सिस्टम बनाएं कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़नी चाहिए। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो हमारा एक्सपोर्टर है उसकी कॉस्ट को हमें सही करना होगा, कॉम्पिटिटिव करना होगा। अगर वो कॉम्पिटिटिव कॉस्ट के ऊपर अपनी एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेगी, इसी तरह फॉरेन रेमिटेंस भी आपकी बढ़ेगी, तो तब ये मसाइल हल होंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको डॉलर चाहिए ना अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए। जी बिल्कुल, और अपनी इम्पोर्ट को अपना फाइनेंस करने के लिए आपको डॉलर चाहिए, इसी तरीके से आपकी जो सर्विसिंग है, डेट सर्विसिंग है, उसके लिए भी आपको डॉलर चाहिए। फिर कर्जों की आपने 25 अरब डॉलर की किस्तें जो देनी है या रोल ओवर करनी है, तो उसके लिए भी आपको डॉलर चाहिए। तो हर चीज के लिए आपको डॉलर चाहिए, और उसके लिए आपको एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट करना होगा कि जिसके जरिए मुल्क में डॉलर आना शुरू हो।
राइट, और उसके लिए आपको अपनी कॉस्ट को कॉम्पिटिटिव करना होगा, ये हल है। इसी तरीके से अपनी इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना होगा कि आपकी इस वक्त 24 अरब डॉलर की एनर्जी की इम्पोर्ट है, राइट, तो उसमें अगर आप सोलर के ऊपर शिफ्ट होते हैं, इंडिया में 16% शेयर है सोलर का उनके एनर्जी बास्केट में, राइट, हमारे एनर्जी बास्केट में हमारा शेयर जो है 1.16% है सिर्फ। तो अगर आप अपने सिस्टम को यानी एनर्जी को सोलर पे शिफ्ट करेंगे एटलीस्ट 16%, तो तकरीबन 3,000-4,000 मेगावाट आपकी बिजली जो है वो सोलर पे शिफ्ट होगी, बिल्कुल सही, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। समझ गया। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी सोल्यूशन है, और सोल्यूशन के ऊपर अगर हम जाएंगे तो इनशाला हमारे मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन प्रोवाइडेड यही है कि आप सोल्यूशन शुरू कर दें, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दें, शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जाहिर साहब, आपकी बात से दो जिम्नन चीजें सामने आ रही है, मैं चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन के लिए आप जरूर कमेंट करें और समझाएं भी। एक तो सोलर के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उसका बोझ सोलर पे आ रहा है, बिकॉज वो खुद प्रोड्यूस करते हैं और वो सिस्टम के अंदर एक और डेफिसिट की फॉर्म को लीड करता है, तो उसमें भी वो कुछ लीवे कम करने जा रहे हैं या चार्जेस बढ़ाने जा रहे हैं। अगेन रिस्पेक्ट टू द सेल्फ जनरेशन या अपने जो खुद मुख्तारी की तरफ कौम बढ़ रही है उसको एक रोकने की कोशिश है। दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि ये जितने भी मेजर्स हैं जिसका सारे मईशतदान जिक्र करते रहते हैं, आप तकरीबन हर दूसरे दिन कोई ना कोई सजेशन देकर गवर्नमेंट को गाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट देयर सीम्स टू बी अ कंसेंसस कि सिचुएशन इतनी बुरी है कि इन मेजर से शायद सिचुएशन ठीक ना हो पाए। वो जो एक इन्वेस्टमेंट काउंसिल है और जिसके अंदर आपने अपने असासे रख दिए हैं, जब तक वो अगर नीलाम नहीं होते असासे, तो कुछ मईशतदानों का मानना है कि सिचुएशन जू की तू रहेगी और ये जो महंगाई का फ्रीत है और जो तबाही की तरफ जाता हुआ एक सिस्टम, एक माहौल और एक चीज़ नज़र आ रही है, ऑब्वियसली वो चीज़ ख़त्म नहीं हो पाएगी। बात यह है कि ये सारे मसाइल जो हैं, इसका हल किसने निकालना है? कोई बाहर से सात समुंदर पार से आके तो कोई हल नहीं निकालेगा, राइट, इसका हल हमने निकालना है। और हल ये है, मैंने भी एक हल तो पहले आपको बताया, जो कैपेसिटी चार्जेस की आपने बात की, 71% हम कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं, यस, क्योंकि हम तकरीबन गर्मियों में बिजली 30,000 मेगावाट यूज करते हैं पर डे और सर्दियों में करते हैं 9,000, राइट, तो वो जो 21,000 मेगावाट के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसके पैसे तो हम ही नहीं देने। अब उसका हल ये है कि वो बिजली जो हमारे पास सरप्लस है, जिसकी हम कैपेसिटी पे कर रहे हैं, वो हम इंडस्ट्री को दे दें सस्ते दामों। सर्दियों में जब हम उनकी गैस काटते हैं 5 महीने के लिए, तो उनको 5 महीने सर्दियों में वही बिजली सस्ती दे दें, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो वो एक्सपोर्ट में भी वायबल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम 800 अरब रुपए की बिजली चोरी करते हैं और लाइन लॉसेज में जाया करते हैं, राइट, तो वो उसकी लाइन लॉसेज और बिजली चोरी खत्म करें। तो मतलब देर आर लॉट ऑफ सॉल्यूशंस, लेकिन जरूरत इस चीज की है कि उसके ऊपर अमल शुरू कर दें। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जो डॉलर है इसकी डिमांड से मुताल्लिक आपने बताया कि दिस इज द मदर ऑफ ऑल क्राइसिस एंड इट लीड्स टू ऑल द इश्यूज एंड स्पेकुलेशंस इन द मार्केट। जो हमारी पोर्ट्स हैं, सरहदें हैं, वहाँ से भी डॉलर की स्मगलिंग होती है, अफगानिस्तान में डॉलर जाता है। सो आपकी नज़र में कोई ऐसे मेजर्स हैं कि ये जो ओपन मार्केट और इंटर बैंक का फ़र्क है और ये जो हवाला और हुंडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है वर्सेस इंटर बैंक, गवर्नमेंट इस सब को किसी न किसी तरीके से हल कर सके, सॉर्ट आउट कर सके? नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट कैसे करेगी, क्योंकि आपके पास जो मैंने शुरू में कह दिया कि तकरीबन 25 अरब डॉलर का गैप है, राइट, उस गैप को आप एक तरफ से पकड़ेंगे वो दूसरी तरफ से निकल जाएगा, दूसरी तरफ से पकड़ेंगे वो तीसरी तरफ से निकल जाएगा, राइट, तो वो तो गैप अपनी जगह एग्जिस्ट करता है ना। बिल्कुल। उस गैप को खत्म करना का हल यही है कि आप डॉलर का इनफ्लो बढ़ाए। बिल्कुल। डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट से, फॉरेन रेमिटेंस से और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। बिल्कुल ठीक। वो तीन इकदाम जब तक आप नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये सारी चीजें जो है ये एडॉक्टिज्म होगा और इससे कोई मसला नहीं होगा। मियां जाहिद साहब, आर यू वन ऑफ दोस पीपल हु थिंक कि सियासी स्टेबिलिटी का भी इसमें रोल है और ये जो पीटीआई वर्सेस पीएमएल वर्सेस केयर टेकर सेटअप एंड व्हाट नॉट,
आप समझते हैं कि पॉलिटिकल साइड पे भी अगर चीज़ें ठीक हों तो भी मुल्क की जो मईशत है उसमें इस्तेकाम आ सकता है? या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जहां तक ताल्लुक है उसके लिए हमें इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर एक कंसेंसस की जरूरत है, जिसमें अगर हमारा चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो जाए और तमाम पार्टियां जो मैंने अभी आपसे बातें की हैं इसके इकोनॉमिक एजेंडे के ऊपर सारी इकट्ठी हो जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं है। बाकी तो देखे ना कि वजीर आजम मैंने बनना है या आपने बनना है या पीटीआई ने जीतना है या नून लीग ने जीतना है, ये सब जीते हैं लेकिन ये मुल्क की कॉस्ट के ऊपर तो ना जीते ना। बिल्कुल, इस वक्त तो इन्होंने मुल्क को दाव पे लगा दिया है, तो मुल्क के लिए जो रिफॉर्म्स हैं उन रिफॉर्म्स को कोई भी गवर्नमेंट आए उसको ये रिफॉर्म्स तो करनी पड़ेंगी और मुल्क को सीधे रास्ते पे लाना पड़ेगा। अब उसको सीधे रास्ते पे लाने के लिए जो भी मुजाहमत करे और जो भी सिस्टम में ना आए इसका मतलब है वो मुल्क का खैर ख्वाह नहीं है। राइट, तो उसके साथ जो है वो फिर हमें थोड़ा सही डंडे से निबटना होगा। ये फरमाइएगा कि इलेक्शन के डिले की बातें हो रही हैं, आपको लगता है कि ये बात जो है कौमी मुफाद में है या फिर वाकई ऐसी सिचुएशन है कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप को एक दो साल दिए जाने चाहिए? देखिए बात यह है कि इलेक्शन का डिले तो नहीं होना चाहिए और इलेक्शन वक्त के ऊपर होने चाहिए और उसमें मैं समझता हूँ कि इलेक्शन और सारी चीजें साथ साथ हर चीज वक्त के ऊपर होनी चाहिए, सिर्फ एक इलेक्शन की बात नहीं है। आपको इकोनॉमी को भी एड्रेस करना होगा और अभी करना होगा। अगर आप उसमें दो तीन महीने या चार महीने डेफर कर देते हैं कि अभी वो इलेक्शन होने हैं तो उसके बाद इकोनॉमी को हैंडल करेंगे तो चार महीने में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इसलिए ये चीजें जो है ये साथ के साथ आपको हैंडल करनी होगी। एंड यू थिंक कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज आल्सो नीडेड इन द कंट्री? जी बिल्कुल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरत है और उस स्टेबिलिटी के राह में अगर कोई मुजाहमत करता है तो उसके साथ फिर डंडा भी जरूरी है। ओके, अच्छा जाहिद साहब, एक बिजनेसमैन का क्वार्टर गवर्नमेंट को ये भी कह रहा है कि आपने शरह सूद को बहुत हाई रखकर देख लिया, अब आप इसको थोड़ा सा लीवे दें, रिलैक्स करें और आप कारोबार को चलने दें, बिकॉज सिस्टम से पैसा प्रोड्यूस होगा तो आपको महसूलात भी मिलेंगी, आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकेंगे और स्टेट एक स्टेप आगे भी जा सकेगी। सो आर यू वन ऑफ दोज हु थिंक्स के जो शरह सूद है उसको एक्चुअली बढ़ाना नहीं बल्कि कम करना चाहिए? नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं, बात उनकी दुरुस्त है। ओके, पाकिस्तान में हमारी जो इकोनॉमी है तकरीबन 60% आउट ऑफ द बुक्स है, तो शरह सूद बढ़ाने का मतलब ये है कि आप जो आउट ऑफ द बुक्स बिजनेस करते हैं लोग उनको और ज्यादा इंसेंटिव देंगे और जो बुक्स पे काम करते हैं यानी जो सिस्टम में काम करते हैं उनके ऊपर आप और कर्ज बढ़ा देंगे, तो इस वजह से जो आपके लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं विद इन द बुक्स काम करते हैं तो वो और ज्यादा सुपड़ जाएंगे। ये बात इस लिहाज से इस एंगल से तो जो दोस्त करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन बात यह है कि ये जो मनी सप्लाई रोकी जाती है यानी मार्कअप रेट बढ़ाया जाता है तो उसका मतलब होता है मनी सप्लाई को रोकना, वो इसलिए रोकी जाती है कि ताकि लोग जो जखीरा अंदोजी करते हैं होल्डिंग करते हैं अजनास की जखीरा अंदोजी करते हैं या ये कि ज्यादा मार्केट में डिमांड होने से लोग प्रॉफिट बढ़ाते हैं तो उसको कम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी चीजें नहीं बिकेंगी यानी महंगाई होगी और गवर्नमेंट पैसे फालतू पैसे सक कर लेगी, मनी सप्लाई नहीं बढ़ाएगी बल्कि पैसे मार्केट से निकाल लेगी मार्कअप रेट बढ़ा के, तो लोगों के पास स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी। स्पेंडिंग पावर कम होगी तो लोग चीजें कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो महंगाई कम होगी क्योंकि लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करेंगे, तो ये है उसकी साइंस। दोनों बातें अपनी अपनी जगह दुरुस्त है लेकिन बात यह है कि ये जो जितने भी इसके अपना इकोनॉमी के असूल है उसके मुताबिक महंगाई के कॉरस्पॉन्डिंगली ही शरह सूद रखी जाती है। पाकिस्तान में इसलिए कारगर नहीं होती कि उसमें ज्यादा इकोनॉमी का पोर्शन जो है वो आउट ऑफ द बुक्स है। अंडरस्टूड। आखिर में जाहिद साहब हम आपसे इस बात पे कमेंट लेना चाहेंगे कि ये जो बिजली के बिल्स हैं इसकी वजह से अब एक तकरीबन वायलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी जो लोग लाइन रीडिंग के लिए जा रहे हैं मीटर रीडिंग के लिए जा रहे हैं उनको मसाइल का सामना है, कराची में वी सॉ अ ट्रेलर ऑफ वायलेंस। गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि ये जो एनर्जी चार्जेस हैं ये अ मैन ऑन द स्ट्रीट सस्टेन कर सकेगा? बिकॉज देखें बिजली तो 22 से 25 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस होती है बट लाइन लॉसेज और टैक्सेस जो हैं वो इसको बिजनेसमैन के लिए 75 रुपए तक ले जाता है। सो यू थिंक कि कारोबार भी चल सकेगा और लोगों की इतनी सकत भी होगी कि वो एनर्जी के चार्जेस को बेयर कर सकें?
बिजली जो बनती है हमारे यहाँ वो तकरीबन 10-12 रुपए यूनिट बनती है और उसके ऊपर तकरीबन 20-1 रुपए जो है कैपेसिटी चार्जेस के हैं, कुछ टैक्सेस हैं उसके ऊपर, फिर चोरी चिकारी है। आप इसमें से 800 अरब रुपए चोरी जो है वो अगर बंद करते हैं, लाइन लॉसेस बंद करते हैं, तो वो 800 अरब रुपया लोगों को रिलीफ मिल जाएगा ना, लोगों का बिल 10-12 रुपए यूनिट कम हो जाएगा। इसी तरह कैपेसिटी चार्जेस में वो बिजली जो है वो आप सरप्लस बिजली दे दें इंडस्ट्री को सस्ते दामों, उसका लोड कम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि हल तो है, हल निकालने की बात है ना, और उसमें जो भी गवर्नमेंट इस वक्त बैठी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, हमें चाहिए कि हम उनके खिलाफ हड़तालें करने की बजाय, एहतजाज करने की बजाय उनको सपोर्ट करें ताकि वो रिफॉर्म एजेंडे को आगे बढ़ाएं। तो रिफॉर्म एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे तो मसले हल होंगे। बट जाहिर साहब आपको रोक के मैं ये क्लैरिटी देना चाहूँगा कि जो शमशाद अख्तर साहब हैं उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि उनके पास कुछ है नहीं रिफॉर्म्स के लिए, उनको तो सिर्फ और सिर्फ हर हैंड्स आर टाइड और जो डायरेक्शन है IMF की उसके तहत ही चलना है। इवन एनर्जी के जो चार्जेस हैं उसमें पर यूनिट कब कितना इजाफा होना है यहाँ तक माहदे में लिखा है। तो शी सेज़ कि ये पोजीशन तो तकरीबन एक सेरेमोनियस सी हो गई है, शी जस्ट हैव टू स्टे देयर एंड शी कांट एक्ट ऑन हर ओन। जी आपने ठीक कहा, लेकिन थोड़ा सा इसमें बात भी समझ में फर्क है। राइट, वो रिफॉर्म को मना नहीं कर रही है अपना शमशाद अख्तर साहबा या IMF, वो कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स करें। वो जिस चीज को मना कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप रिफॉर्म भी ना करें और रेट यूटिलिटी के कम कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड। बात यह कि आप अगर रिफॉर्म करके उसकी वेस्टेज को खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास 800 अरब रुपए आ जाएगा। बिल्कुल सही, वो आप लोगों को पास ऑन कर सकते हैं। IMF ये कहता है कि आप तो चोरी भी करते रहे और लाइन लॉसेस भी करते रहे और उसके बाद लोगों को रिलीफ भी दे दें तो कहां से देंगे। अंडरस्टूड। मियां जाहिर साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, हम चाहेंगे कि आखिर में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट के लिए तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी रिफॉर्म करनी है वो आप टुमारो नहीं करें, वो टुडे नहीं करें, बल्कि यस्टरडे बेसिस पे करें। वो आप रिफॉर्म करते जाएं तो लोगों को यकीन आ जाएगा और लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो नहीं करेंगे तो इस तरीके से सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। मियां जाहिर साहब आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं स्टील इंडस्ट्री के एक लीडर अब्बास अकबर अली। इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्टील इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं उनको किस तरह के मसाइल का सामना है। अब्बास अकबर अली साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। अब्बास साहब, फरमाइएगा कि लार्ज स्केल पर बिजनेसेस के क्लोजर की बातें हो रही हैं, शरह सूद के 25% की बातें हो रही हैं, डॉलर 350 में भी अवेलेबल नहीं है। मियां जाहिद ने कहा कि वो कोर्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो जो नंबर कहेंगे वो बहुत ख़तरनाक है। दे आर पीपल हु थिंक के 520 डॉलर का रेट कम है, बहुत ग्रिम सिचुएशन है। आप क्या देखते हैं कि बिजनेसमैन किस तरह सस्टेन कर सकता है इस सिचुएशन में? जी अस्सलाम वालेकुम। ये आपका जो सवाल है उसका जवाब मुख्तसर है कि ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान की आज मईशत की, ये आज की नहीं है, पिछले 5 साल की नहीं है, पिछले 15 साल की नहीं है, ये मुसलसल 75 साल की नाकामयाबी का सबब है। कोई मौजूदा हुकूमत, चाहे वो निगरान हुकूमत हो या इलेक्टेड हुकूमत हो, ये कोई भी इस सूरत हाल को संभाल नहीं सकता है। बिकॉज ये ज़रूरी है कि हम अपने पूरे निज़ाम को सही करें, अदालतों को सही करें, हर चीज़ को सही करें और अपना खर्चा कम करें, पैर उतने फैलाएं जितनी चादर है। चादर को लंबी करना और चौड़ी करना ये पूरे मुल्क का काम है और हुकूमत से, चाहे निगरानी हो या कोई भी हुकूमत आए, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और खर्चा उतना करें जितनी आमदनी है।
ये एक शॉर्ट सेंटेंस है कि इतना हम लोग वो करें जितना हमारे पास चीज़ें हैं। आप जिस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, एग्रीकल्चर और मदनियात, माइनिंग एंड मेटल्स एंड मिनरल्स, ये जो 75 साल पहले करना चाहिए था, अब क्यों सोच में आ रहा है? और औने पौने भाव के अंदर में मुल्क को बेचना है। क्या हमको अभी भी सोचना पड़ेगा कि हमारी एग्रीकल्चर और मदनियात और मिनरल्स जो है उसमें अपना पाकिस्तान का पूरा खसारा कम हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है? मगर ये लंबा प्रोग्राम है, इमीडिएट प्रोग्राम ये है कि हम अपने खर्चे को कम करें। 40% खर्चों को कम करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो हम कोई भी चीज़ पर काबू नहीं पाएंगे, बिकॉज डॉलर कमाना है तो उसके लिए भी टाइम लगेगा, और डॉलर को कमाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। हमारे जो असासे हैं उसको बेचकर डॉलर को इकट्ठा नहीं करना है, हमारे असासे को चलाकर एक्सपोर्ट करके और कमाना है। ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना। पाकिस्तान की जो किश्ती है उसमें पूरा गंदा पानी भरा हुआ है। एक मग निकालते हैं तो 4 मग और अंदर आ जाते हैं, लिहाजा किश्ती को उल्टी करनी पड़ेगी ताकि पूरा काम, पूरी जो गंदा पानी है वो सब निकल जाए और नया फ्रेश पानी डालें उसमें। हमको अपनी एजुकेशन सिस्टम, पॉपुलेशन ग्रोथ, स्किल्स की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे हमारा आइंदा जो फ्यूचर है वो क्या नाम है, हमें नहीं चल सकेगा। जब तक हमारा गवर्नेंस एट ऑल लेवल्स सही नहीं होगा तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। अदालतों में हमें 15 दिन मैक्सिमम के अंदर में फैसला सुना देना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं होगा, और वो भी जल्द इंसाफ नहीं होगा, तो हम इस मुल्क को आगे नहीं ले जा सकेंगे। हमारा जितना भी खर्चा है हुकूमत का, और 18वीं तरमीम के बाद जो भी डिपार्टमेंट्स बंद करने थे वो अभी भी चल रहे हैं, और उनके लोगों को सरप्लस पूल में डाल दिया है, जो तनख्वाहें भी ले रहे हैं और मराते भी ले रहे हैं। ग्रेड 16 से लेकर 22 तक कितने लोग को OSD बना के रखा हुआ है, क्या इनका खर्चा नहीं हो रहा है? उनको घर भेजना है तो घर भेजें, या तो मुल्क की तरक्की के लिए उनको इस्तेमाल करें। मुल्क ने इतना सारा पैसा उनके ऊपर खर्च किया हुआ है तो वो ज़ाया जाएगा, मगर टैक्स पेयर की जेब से तो पैसा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट्स हाउस, सेनेट और नेशनल असेंबली में जो भी खर्चे होते हैं उसमें कम से कम 50-60% कम कर देने चाहिए। जब तक हुकूमत ये नहीं एग्जाम्पल सेट करेगी तो गरीब आवाम उनका कैसे साथ देगी? बिजली के
बिलों को कम करके और कोई जगह से डॉक्यूमेंटेशन करके टैक्स लेना चाहिए। और बिजली के प्राइसेस में कम होनी चाहिए या एक स्पेशल इन्फ्लेशन अलावेंस या मिस गवर्नेंस अलावेंस हुकूमत को सबको देना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है कि अवाम मजबूर है। तो लिहाजा अवाम को, अवाम के जेब में और सैलरीड क्लास के जेब में जब तक हम पैसा नहीं डालेंगे तब तक हमारी मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। सैलरीड क्लास जो है वो बहुत ही पिसा हुआ है, उसके ऊपर टैक्स 35% से लेकर उसको 10% कर दिया जाए ताकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए, और ये जो टैक्स में कमी आएगी वो रियल एस्टेट से या लैंड के ऊपर में टैक्स डाल दें। बहुत आसान तरीका है। जब तक हमारी आवाम के जेब में हम पैसे नहीं डालेंगे तब तक मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। जहाँ तक डॉलर का और एक्सचेंज रेट का जो ताल्लुक है, मेरे ख्याल में डॉलर का रेट जब तक, क्या नाम है, अपनी मईशत और अपने एक्सपोर्ट की अर्निंग्स नहीं होगी तब तक हम एक्सचेंज रेट के साथ हम लड़ नहीं सकते हैं। मार्केट रेट होता है सप्लाई एंड डिमांड। आपको डिमांड कम करनी होगी डॉलर्स की या सप्लाई बढ़ानी होगी। ये सिंपल फार्मूला है लोगों के दिमाग में ढालने के लिए कि हम अपने एक्सपोर्ट्स कैसा बढ़ाएं, इमीडिएटली कैसा बढ़ाएं, और हमारी डिमांड है डॉलर्स की उसको हम कब कम खर्चा कम कर सकते हैं। ये इंपोर्ट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स है, फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स है, उनको अब ना छेड़ें बल्कि आप, क्या नाम है, जो है इसका नॉन एसेंशियल गुड्स के ऊपर में या तो 200% RD लगा दें, क्योंकि आप उसको बैन नहीं कर सकते हैं IMF और WTO की वजह से। हर चीज़ जो पाकिस्तान में बनती है वो आप उसके ऊपर में 200% RD लगा दीजिए 5 साल के लिए। आप देखिएगा मुल्क की इंडस्ट्रीज़ फलेगी फूलेगी और लोग नए कारखाने लगाना शुरू करेंगे। शुक्रिया। अब्बास अकबर अली साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मलिक बोस्तान, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि डॉलर जो है वो कुछ लोगों को 340 में भी नहीं मिल रहा, क्या सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड। मलिक बोस्तान साहब, वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। मलिक साहब, मौजूदा सिचुएशन ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि डॉलर जो है वो 330 पे भी उन्होंने ख़रीदा है और कुछ लोग कहते हैं कि उनको 335 पे भी नहीं मिला। ओपन मार्केट और जो इंटरबैंक है उसमें तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। IMF ने जो 1.25% की लिमिट की है उसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि लोग मुस्तकबिल के बारे में भी जो बातें कर रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक और परेशान कुन है। आप एज ए करेंसी मार्केट लीडर इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखो, इसमें कोई शक नहीं, सिचुएशन बहुत ही ख़राब है और पैनिक बहुत ज़्यादा है। जब से जंग अखबार में ये आर्टिकल छपे के डॉलर का रेट IMF ने ये शर्त आयद की है 330 से 340 तक लेके, उस समय इस खबर ने जो है जलती हुए तेल का काम किया। हालांकि ऐसी कोई
माहदा नहीं है पाकिस्तान का, मैंने स्टेट बैंक में खुद बात की, तो मैंने कहा आप तरदीद कर दें ताकि लोगों को ये खौफ खत्म हो जाए तो दारा दिल तक जा सकते हैं, लेकिन अभी तक तरदीद नहीं हुई। लेकिन ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तानी आवाम जो है ना ये सुनी सुनाई बातों पर ना कहते हैं ना कुत्ता कान ले गया, तो वो कान नहीं देखते तो बस उस खबर के पीछे चल पड़ते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वक्ती तौर पर परेशानी जरूर है, क्योंकि आइए मैं से मायदे ही हमने यही किया है कि जितने भी गैर एलानिया इम्पोर्ट है उसको हम खत्म करेंगे, और जितने कंटेनर की पेमेंट है उसकी करेंगे, जितने फार्नर का पैसा इन्वेस्टर का यहाँ रुका हुआ है 3 अरब डॉलर वो देंगे, तो ये सारी एयरलाइन का शिपिंग का सारा पैसा जो है वो अदा करना है हुकूमत ने इंटर बैंक से, तो अब उसका प्रेशर है, वक्ती तौर पर डिमांड है। देखो डॉलर जो है 4 जुलाई को 270 था, इंटर बैंक 272 था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज बैंकों ने ये बढ़ाना शुरू किया है, और बढ़ते बढ़ते आज इंटर बैंक भी लाइफ टाइम हाई 306 के करीब पहुंचे हैं, मार्केट 322 और 325 पर ट्रेड हो रही थी। अब इसके साथ जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड अपने करना चाहते हैं उनको हम डॉलर नहीं देते, हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेड लोगों को देते हैं जिनको टिकट पासपोर्ट हेल्थ एजुकेशन या बैंक में जमा जो करेंगे, बाकी लोगों हम देते नहीं, और ब्लैक मार्केट में अपने मनमाने कीमतों में खरीदना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट देना नहीं चाहते। ये फरमाएं कि 7.5 अरब के आसपास असासे रह गए हैं, अगर ये 4 अरब डॉलर का माल पोर्ट से छोड़ देंगे तो 3 अरब बचेगा, और उसमें जो आगे किस्तें खड़ी हुई हैं तो पाकिस्तान तो फिर से जीरो हो जाएगा। नहीं, ये दरअसल जिन्होंने पाकिस्तान के ये बहुत ज्यादा की, ये 7,000 कंटेनर वगैरह एलसी के मंगवा कर इसमें से 3,000 तो क्लियर हो रहे थे टैक्स पेमेंट में, लेकिन देने से वो भी गवर्नमेंट नहीं है, वो एक बहुत बड़ी ज्यादा हुई जो हमारे रिजर्व को चाट गई है। होना तो यही चाहिए था इसको जो है वो हुकूमत जो है ऑक्शन करती है, इनको ये अलाउ ही नहीं करती ताकि इनको सबक मिलता, लेकिन उन्होंने हुकूमत ने इनके दबाव में आके इनको अलाउ कर दिया, तो वो अब उसका खमीरा पूरी कौम भुतक रही है, जिसकी वजह से डॉलर रेट बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़े, बिजली के बिल बढ़े हैं, बिजली के लोग बिल अदा करने की वजह जला रहे हैं, ये पाकिस्तान की मेशक भी ना जला दें, इसके लिए हुकूमत को जो है होश के नाखन लेना होगा, इनको रिलीफ देना होगा, आइए मैं आपसे बात करनी होगी, और कम अज कम इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ की 40 करोड़ यूनिट वापटा के मुलाजमीन को फ्री दी जाती है, 33 करोड़ यूनिट सरकारी मुलाजमों को दी जाती है, 73 करोड़ यूनिट बनते हैं, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बनता है, 11 अरब रुपए बनते हैं, 500 अरब डॉलर के आपकी लाइन लाइसेंस और चोरी हो जाती है बिजली, तो ये तो रोके जा सकते हैं, इसको रोक के रिलीफ दिए जा सकते हैं, बजाय इसके आई एम एफ ना माने और ये फिर बिल बढ़ा दें, बिल बढ़ाने की कोई काम नहीं होगा, बिल लीकेज कम करनी होगी, अपनी लाइन लाइसेंस को रोकना, 145,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान पैदा कर रहा है, लेकिन हमारी जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो सिर्फ 22,000 तरसील कर सकती हैं, ट्रांसमिशन कर सकती हैं, उसको हमने सीधा करने की जरूरत है, आईपीपी के साथ मायदे को रिवाइज करने की जरूरत है, वो हम उनको 16 सेंट में बिजली उनसे खरीद रहे हैं, जो जो डॉलर का रेट बढ़ता है उसका रेट बढ़ जाकर कर्जे कर्जे में इजाफा होता है, हमें सूद भी उनको अदा करना पड़ता है, तो ये सारे पाकिस्तानी पीछे फ्रंट में इन्होंने पार्लर रखे हुए, इनके को बुला के इनको या तो मायदा खत्म करें या इनको रिवाइज करें, और हमारी 25,000 यूनिट बिजली की पैदावार की सिफात है लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारी लाइनें उसको बर्दाश्त नहीं करते, तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको सीधा करके पाकिस्तान को मुश्किल से निकाला जा सकता है। मलिक साहब, दो चीजों पर रोशनी डालें, एक तो चीज़ ये है कि 20 रुपये पर यूनिट 20 से 25 रुपये पर यूनिट तो कैपेसिटी चार्जेस में ये IPPs ले जाते हैं, और सर्दियों में भी ले जाते हैं और गर्मियाँ भी ले जाते हैं, सर्दियों में जब बिजली आपकी 30% सिर्फ यूज़ हो रही होती है और 70% फ्री होती है, तब भी गवर्नमेंट को साला साल से कहा जा रहा है कि आप ये ताजिर बिरादरी को दे दें कैपेसिटी चार्जेस के यूनिट रेट के ऊपर, गवर्नमेंट वो भी नहीं कर रही होती है, लाइन लॉसेस के अंदर कोई 800 अरब रुपए जा रहे होते हैं, गवर्नमेंट उसको भी नहीं रोक रही, अब लोग सड़कों पर आ रहे हैं, तो लोग पीपल आर सेइंग कि भाई पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अनार्की और वायलेंस दिख रहा है आगे, आपको क्या नज़र आ रहा है? ये बिल्कुल आपने पूरी समरी बना दी, नजर आने को तो कुछ भी नहीं, नजर अंधेरे ही अंधेरे, रोशनी की नजर नहीं आ रही, और ये IPP के मैदे जो हुए हैं ये गलत हुए हैं, और इसमें कमीशन किक बैक दिया गया है और वो उनको दिया जा रहा है मुसलसल, इसलिए कोई भी इसके ऊपर गौर से जो भी हुकूमत आती है इसको आगे यानी रोकने की कोशिश नहीं करती। अब देखो ना पिछले हुकूमत ने जो है 480 अरब था वो उनको 22 अरब था, उन पर प्लंटी थी वो भी माफ कर दी है और उनको पेमेंट भी फौरन कर दी, और ये चीजें सारी जो है अब गले पड़ गई हमारी, और इसको नहीं रोकते और इसको फिर पाकिस्तान को डुबोने ही, पाकिस्तान फिर कहाँ जाने, क्योंकि आपकी 25,000 यूनिट मेगावाट बिजली आप पैदा कर रहे हैं लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, सर्दियों में भी हो चाहे गर्मी हो, तो आपको ये अपनी जो है हमें तो IPP की जरूरत ही नहीं है, यानी महंगी कौन अफोर्ड करते हैं, हाइड्रो विंड है,
सोलर है, ये सारी चीजें पाकिस्तान ने अलग बहुत नवाजा है, तो ये तो बंद ही करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए हुकूमत को इसके ऊपर सोचना होगा और इसको खत्म करना होगा। मलिक साहब, आपको क्या नज़र आता है कि डॉलर के लिए कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि डॉलर 400 में भी नहीं मिलेगा, जो जो सिचुएशन है, अदायगी अगर पाकिस्तान को करना पड़ी ऑन टाइम और जो पोर्ट का माल है वो छोड़ना पड़ा IMF से माहदे के तहत 1 से 1.5 महीने में, तो डॉलर कहते हैं लोग के 400 में भी नहीं मिलेगा। तो ये तो लोग तो कहते रहते हैं, लग लग डिमांड से ज़ाहिर है, डिमांड आप किसी को देखो फ्री मार्केट का मुकाबला जो है ना फ्री हैंड दे कर किए जा सकते हैं, और इसको जो है फिलहाल तो आपकी डिमांड है, चाहे कितने भी डॉलर का हो जाए आपको पूरी करनी है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ते नहीं है सिवाय इसके कि आपको इकोनॉमिक काउंसिल जो आपने बनाई है, तो क्राउन प्रिंस भी आ रहे हैं सुने, अल्लाह करे उनके दिल में कोई रहम आ जाए और हुकूमत उनको इस पर नाराजी कर ले, कोई जो उन्होंने 40 अरब डॉलर फ्रेंडा पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट करेंगे या आपके हिसाब से खरीदेंगे, और उसको हुकूमत ने सारे उसमें वेल्थ फंड भी बना दिया है, उसके लिए तमाम वन मिनट ऑपरेशन भी शुरू कर दिया, अब अल्लाह करे पेमेंट कुछ आ जाए फिर पाकिस्तान जो है इस तरह निकल सकते हैं। हालात इतने गंभीर हैं, इनसे कतर में यही हालत है, पाकिस्तान टूट चुका, डिफॉल्ट कर चुका था, पाकिस्तान के रुपया 100% बढ़ चुका था, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने पाकिस्तानी को मिडिल ईस्ट भेजा और अल्लाह का शुक्र है उस वक्त पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल हुआ, और आज ये जो ये 2 अरब डॉलर माना आ रही है उन्हीं की मरोने मिनट है जो मिडिल ईस्ट बंदे भेजे, आज वो अपने वर्करों में जैसे भेज रहे हैं, कभी भी ये मिडिल ईस्ट ही है हमें हमारी हाथ पकड़ ले और हम मुश्किल चक्कर है, और कोई रास्ता मुझे तो नजर नहीं आ रही है, इकोनॉमिक काउंसिल से फायदा उठा के मैन पावर को स्किल को एक्सपोर्ट करें, ज़रात बढ़ाएं, मादनियात को जेर ज़मीन खजाने हैं उनको निकालें, लाइफ स्टॉक में करें, ये चीज़ें हैं जिसको हमें काम करने की ज़रूरत है, अब काम चोरी और ये आरामखोरी छोड़नी होगी लोगों को, ये जो मुफ्तखोरी भी खत्म करें, जितने भी ये लोगों को ये मुफ्त बिजली और मुफ्त पेट्रोल देने की बजाय उनको अलाउंस दे ताकि उनको बचत करें, उनको माले मुफ्त दिले बे रहे वाले साहब उनको जब मुफ्त चीज़ें बिकती हैं तो वो उनके रिश्तेदार तक फायदा उठाते हैं, 24 घंटे उनके कुंडे लगे हुए हैं वो आगे बेचते हैं, वो आगे जो है जो AC बंद नहीं करते, लाइटिंग चल रही होती है, अगर पैसे मिलेंगे तो फिर वो ये सारे काम करेंगे, पैसे की बचत भी करेंगे और पाकिस्तान को भी इससे चोरी से निजात मिल जाएगी। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन को कम से कम 2 साल आगे ले जाना चाहिए, टेक्निकल जो गवर्नमेंट है टेक्नोक्रेट्स का जो सेटअप है इसको मौका देना चाहिए कि मुश्किल फैसले करे और पाकिस्तान की जो मईशत है उसे सही पटड़ी पर डाल दें, आपके ख्याल में ये बात कितनी दुरुस्त है कि इलेक्शंस को डिले कर देना चाहिए? देखो ये पाकिस्तान अगर इस क्राइसिस से निकलता है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, 2006 में बांग्लादेश ने यही मॉडल अपनाया था, टेक्नोक्रेट हुकूमत बना के उन्होंने फिर इलेक्शन कराया, या उस देखो 15 साल से सीना वाजिद ही इकतदार में है, तो अभी भी ये है कि अभी इलेक्शन कराएंगे फिर मैं ना मानू वाली बात है, इस वक्त पाकिस्तान को चार्टर ऑफ इकॉनमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और सोशल डेवलपमेंट कंटेक्ट करने की बड़ी सख्त जरूरत है, सियासी जमातों को बुलाया जाए, उनको 1.5 लाख खत्म करके पाकिस्तान को बचाया जाए, कोई ऐसा माशी और जमहूरी फैसला हो जाए जिससे सारे आमीन कहें और जो भी पार्टी आए उसको सब एक्सेप्ट करें, जो मैं ना मानूँ कि मेरे साथ रहती होगी नहीं, ये धांधली अब धांधली वाला रोना जो है ख़त्म करना होगा, कोई भी जमात आ जाती है उसको 5 साल दें, अगली जमात आए सियासत इस्तकाम ही पाकिस्तान को मशी इस्तकाम बख्शेगा और पाकिस्तान जल्द से जल्द। मलिक बुस्तान साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नासिन, इंडस्ट्री के तीनों लीडर जो आज के प्रोग्राम में शरीक थे, तीनों के तीनों का कंसेंसस है कि बहुत गंभीर सिचुएशन है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, एंड गोइंग फॉरवर्ड किसी को भी रोशनी की कोई किरण नज़र नहीं आ रही। लोग कहते हुए कतरा रहे हैं कि जो डॉलर है वो 500 का भी नहीं मिलेगा, बट सिचुएशन ऑन द ग्राउंड सजेस्ट के शायद इससे भी बुरी सिचुएशन हो फॉरेक्स रिजर्व्स की, बिकॉज 7 अरब डॉलर के आसपास रिजर्व्स हैं, 4 अरब डॉलर की LC सेटल होना है और आगे जो किस्तें हैं वो 3 अरब डॉलर से ज़्यादा की हैं, सो कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त नेगेटिव में है, IMF के सहारे पर है। यही वजह है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बहुत परेशान हैं और उन्होंने कहा कि उनके हाथ बंधे हुए हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय इसके कि जो IMF के साथ डील है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो उनको फॉलो करें। रिफॉर्म्स के लिए मलिक मियाँ जाहिद साहब ने फरमाया कि एंड इनफैक्ट मलिक बुस्तान ने भी ज्वाइन किया कि रिफॉर्म्स के लिए अगर 2 साल भी देना पड़े तो देने चाहिए, बिकॉज IMF को अपने प्रोग्राम से इंटरेस्ट है, टर्म्स एंड कंडीशन से इंटरेस्ट है, और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे उनका हल निकाला जाए, रिफॉर्म्स लिया जाए। इस तरह के तजिए का सिलसिला अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।